नमस्कार, मैं सोनल और आज हम एक बहुत ही हेल्दी और डिलिशियस ब्रेकफास्ट रेसिपी बना रहे हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं लेंटिल डोसा, मतलब दाल का डोसा। दाल प्रोटीन और फाइबर रिच तो होती ही है, बट आर आल्सो एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड जिंक। तो अगर आप कोई जल्दी से तैयार हो जाने वाली ब्रेकफास्ट रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल आप ही के लिए है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी में सबसे खास बात यह है कि इसे आप दो तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है इंस्टेंट डोसा। इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए आप दाल को अच्छे से वॉश कर लीजिए। अच्छे से वॉश कीजिएगा 3 से 4 बार। दाल को तब तक वॉश करना है जब तक वाटर क्लियर ना दिखने लगे। उसके बाद एक्सेस वाटर को ड्रेन कर दीजिए। दाल को ग्राइंडर में तब तक ब्लेंड करना है जब तक आपको स्मूथ बैटर ना मिल जाए। बैटर को स्पाइसेस ऐड करके 10 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए, और उसके बाद आपका डोसा बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरे मेथड में हम दाल को 4 से 5 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट सोक करेंगे और फिर उसका पेस्ट बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे दोनों बैटर में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि दाल में काफ़ी प्रोटीन होता है, और उसे अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए दाल में पानी होना ज़रूरी है। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो मैंने पहले लेंटिल पैनकेक का वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने लेंटिल्स को सोक किया था। अब क्योंकि पैनकेक मोटा होता है तो लेंटिल्स का सोक करना काफ़ी ज़रूरी है। बट आज हम बना रहे हैं डोसा। डोसा होता है पतला, तो जब हमने बैटर को 10 मिनट के लिए रख दिया था तब हमारी दाल ने अच्छे से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। आप इस इंस्टेंट डोसा रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक और क्वेरीज मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। एक और खास बात, हर डोसा को बनाने से पहले तवा को ठंडा जरूर कीजिए, वरना आपका डोसा चिपक जाएगा और डोसा अच्छे से नहीं बनेंगे। अगर आपके डोसे का बैटर चिपक रहा है, मतलब या तो तवा काफी गर्म है या फिर आपका बैटर काफी थिक है। बाय।